Hello folks, welcome. You are watching Sigma Learning. All the news and important updates related with the NEET counseling. So let's see today about the MP state counseling. What are the important dates for round 2? Round 2 ke liye important dates kya hain? Okay, so aap Sigma Learning dekh rahe hain aur आपको मध्य प्रदेश की राउंड 2 की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आपको कब रजिस्टर करना है, कहां रजिस्टर करना है, सीट मैट्रिक्स क्या है राउंड 1 के बाद, या फिर क्या नोटिस आई है स्टेट गवर्नमेंट नीट से. ओके, सो लेट्स सी. बिफोर दैट आई वांट टू से, इफ यू आर वाचिंग दिस प्लीज सब्सक्राइब अस, बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब अस यू विल गेट ऑल द इम्पोर्टेंट अपडेट्स of NEET, either state or all India counseling. Okay, so जो भी news या जो भी important dates आपको देखने हैं YouTube पे आप देख ही रहे हैं, लेकिन please आप सबसे एक request है कि एक बार आप official website पे जाकर verify जरूर किया करिए, क्योंकि official website पे जो भी date दिए होते हैं वो date क्या होते हैं, actual होते हैं. और जो हम लोग YouTube पे या वेबसाइट पे, खुद की वेबसाइट पे जो अपडेट करते हैं, जैसे हमें न्यूज़ मिलता है वैसे हम अपडेट तो कर देते हैं, लेकिन वो डेट फिक्स नहीं होते हैं. ओके, वो डेट आपको मतलब टेंटेटिव डेट होते हैं, वो डेट चेंज भी हो सकते हैं. तो फॉर एमपी स्टेट काउंसलिंग यू हैव टू विजिट dme.mponline.gov.in. ओके, लेट्स सी अबाउट द अंडर ग्रेजुएशन. Under graduation, notice regarding extension of resignation date MP state UG first round counseling. Okay, first round counseling का जो seat मिली थी वो जो resign करने का date था वो extend हो गया है. देखिए, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग नीट यूजी 2018 के प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेशित सीट से त्याग पत्र देने की तिथि जुलाई 21 से बढ़ाकर जुलाई 24 साय 5 बजे तक की जाती है. तो आप रिजाइनेशन पहले 21 था, अब आप 24 तक दे सकते हैं अगर आपको वो सीट नहीं चाहिए. दूसरा क्या है, नोटिस रिगार्डिंग फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन टाइम एमपी स्टेट यूजी फर्स्ट राउंड. में क्या है कि पहले जो आपका डेट था प्रथम चरण की, मतलब फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन था वो 19 जुलाई तक था, अब उसको बढ़ा के हम 21 जुलाई तक कर दिए, मतलब आज आप लास्ट डेट है और आज आप एडमिशन ले सकते हैं 5 बजे तक टिल 5 PM. ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम एमपी स्टेट लेवल कंबाइंड नीट यूजीज 2018 आर हैव बी इनफॉर्म्ड दैट द admission process of first round of counseling is being extended from 19/07/2005 PM to 21/07/2005 PM. Okay, let's see about the some other important news. Just you can see the lots of instructions are here given, lots of important updates are given. जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक. तो आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो ये डेटा आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि इस डेटा से आपको पता चलेगा कि कितनी सीटें जो है ऑक्यूपाइड हो गई हैं और कितनी सीटें वैकेंट बची हैं. आप देख सकते हैं कि चिरायू मेडिकल कॉलेज ये 130, 113, 50 सारे सीट जो हैं अलॉट हुए. इस हिसाब से आप अपनी वैकेंसी देख के कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं. और ये था आपका जो कि अलॉटमेंट था फर्स्ट राउंड का.
फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया है, गवर्नमेंट सीट और सब कुछ था। इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में कितने कितने रैंक तक मिला है, ठीक। इसके बाद आप सेकंड राउंड के लिए अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। स्टिल इट इज़ नॉट शोविंग फॉर द वैकेंट सीट आफ्टर राउंड वन, ओके। तो वैकेंट सीट राउंड वन के बाद जो वैकेंट सीट आएगी वो कब आएगी, आइए उसके बारे में देखते हैं। या दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। राउंड वन ख़त्म हो गया है, राउंड टू के लिए देखिए द पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी। आपको जुलाई 23rd को जितनी सारी वैकेंसीज होंगी राउंड वन के बाद वो www.dme.mponline.gov.in पे शो कर दिया जाएगा कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं। Fresh choice filling and choice locking is going to start from the July 24 to July 26. Okay. Allotment of second round, July 30. Reporting at the medical and dental college, July 31. Online resignation at the college level, July 27 to August 3. 3rd August. These are the important, which is very beneficial for everyone who is going to apply for round 2. एक बात और है कि जो लोग राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे या भूल गए थे, अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट कॉर्नर, ओके, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल बना के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 2 के लिए, ओके। We also have a website you can visit for any important data from here also. This is www.sivalearning.in and YouTube also you can join us because all the data is also available on the so don't forget to subscribe us. Click on the red button and also tap on the bell icon, because if you tap on the bell icon you'll get the updates. What are the important videos we are going to update daily, you will get notified. So it is your benefit only, just for your benefit we are working. Thank you.